नमस्कार दोस्तों, चर्चा बोर्ड फिल्म एंड टाइम आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूवी सेतुमन के बारे में। इस मूवी को 2021 में रिलीज किया गया था। ये एक ड्रामा जॉनर वाली फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं थामीज और इस कहानी को लिखा है पेरुमल मुरुगन ने। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस फिल्म को और जानेंगे क्या है फिल्म की स्टोरी, क्या है इसके प्रोस कॉन्स और क्या है मूवी आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है पोचियप्पा की। पोचियप्पा अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन गांव में दंगे लग जाते हैं और उस दंगे में उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। उस घटना में पोचियप्पा के बेटे बहू दोनों मारे जाते हैं। उसके बाद से पोचियप्पा अपने पोते को लेकर गांव से बहुत दूर चले जाते हैं। वो अपने एक लौते वारिस को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। एंड इसी वजह से पोचियप्पा जमींदार के यहाँ काम भी करता है और बाजार में अपनी बनाई हुई टोकरियाँ भी बेचता है। पोचियप्पा की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, पर एक दिन जमींदार साहब यानी पोचियप्पा के मालिक को सेतुमन खाने का मन करता है। सेतुमन खाना चाहता है और उसके बाद से आगे की पूरी कहानी ही पलट जाती है। आखिर क्या है ये सेतुमन और क्या रहती है इसकी पूरी कहानी, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो कहाँ देखनी है? तो ये फिल्म सोने लिव ऐप पे अवेलेबल है, आप इसे इजीली सर्च करके देख सकते हैं। बता दे कि सेतुमन यानी पिग, जिसे हिंदी भाषा में सुअर भी कहते हैं, ये फिल्म हमें पोचियप्पा और उसके पोते की कहानी दिखाती है। कैसे सोसाइटी में पोचियप्पा स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, कैसे उसकी जिंदगी रहती है, उसके ऊपर ये फिल्म फोकस करती है। इस फिल्म में सोसाइटी को एक अलग पर्सपेक्टिव से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जो देख के काफी अच्छा लगा। फिल्म के स्क्रिप्ट एंड स्टोरी टेलिंग अच्छी है। फिल्म का स्क्रीन प्ले मुझे एवरेज लगा, इंटरेस्टिंग सीन्स बहुत कम रहते हैं फिल्म में। तो फिल्म में सबसे अच्छा मुझे लगा पोचियप्पा का स्क्रीन प्रेजेंस, कमाल का था। पोचियप्पा के साथ उसके पोते का जो रिलेशन, जो बॉन्डिंग फिल्म में दिखाया गया, वो काफी अच्छा था। फिल्म के डायलॉग्स एवरेज है, सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी है एंड इसका बीजीएम भी मुझे पसंद आया। बात कर एडिटिंग की तो इसका एडिटिंग ओके टाइप है। एडिटर ने पूरे फिल्म को 1 घंटा 50 मिनट तक रखा है, जो इजीली 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट तक हो सकता था। फिल्म में 2-3 गाने भी है जो ठीक ठाक है। बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो इस फिल्म के लीड रोल में है अश्विन, प्रसाना बालचंद्र, कुमार, मणिक्रम, सुरुली आदि आदि ऐसे कलाकार। सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस डिसेंट रहती है एंड सभी ने अपने किरदार को अच्छे से निभाया है। कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से डेवलप किया गया है, जिस वजह से हम सभी कैरेक्टर्स इजीली जुड़ पाते हैं। बात करें क्लाइमैक्स की तो इसका क्लाइमैक्स काफी शॉकिंग है, हार्ड हिटिंग है। इन शॉर्ट ये एक अच्छी फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं। मैं इस फिल्म को रेट करता हूँ 7 out of 10 stars। पेंडेगलेंस की बात करें तो इसमें सेतुमन को मारने का और काटने का जो शॉट है वो काफी ब्रूटल है, वो आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग लग सकता है। उसको अगर छोड़ दें तो पूरे एंटायर फिल्म में कहीं भी गाली गलौज, मारकाट, सेक्स या न्यूडिटी कुछ भी दिखाया नहीं गया। अगर आपने इस फिल्म को इससे पहले देखा तो आपको ओपिनियन क्या हमारे साथ कमेंट शेयर करें, नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं कहां सोने लिव ऐप पे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आता वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें फिल्म देखना पसंद हो। और हां, जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए।